गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम सब ने क्लास 7 में पहला चैप्टर पढ़ा था वार्तालाप, जिसमें अंबिका और सारिका के बीच में हुए संवाद को हमने पढ़ा था। आज हम उस पाठ का अभ्यास करना सीखेंगे। तो आप सब अपने अपने पुस्तक निकाल लें और फिर पेज नंबर 13 में अभ्यास कार्य हम करेंगे। तो सब रेडी हो जाएं, हम सब अभ्यास कर रहे हैं। सबसे पहले है संप्रति लेख नियम, जिसमें आप देख रहे हैं कि पहला प्रश्न है निम्नलिखितानि वाक्यानि लिट लकारे लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों को लिट लकार अर्थात भविष्य काल में लिखना है। उदाहरणम ते किम खादन्ति। तो यहाँ पर हम लोग कर्ता और कर्म में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल क्रिया में परिवर्तन करेंगे और लिखेंगे ते किम खादिष्यन्ति। अब हम आते हैं प्रश्न पर, युवाम कस्मिन गृहे तिष्ठत। उत्तर होगा युवाम कस्मिन गृहे तिष्ठिष्यत। प्रश्न अगला है वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। उत्तर होगा वानराः वृक्षेषु कूर्दन्ति। प्रश्न है अहम् मित्रेण सह विद्यालयं गच्छामि। उत्तर होगा अहम् मित्रेण सह विद्यालयं गमिष्यामि। प्रश्न है इवां किम लिखत। उत्तर होगा इवां किम लिखिष्यत। अगला प्रश्न है त्वं निर्मलं जलं पिबसि। उत्तर होगा त्वं निर्मलं जलं पास्यसि। प्रश्न है बालिकाः गीतानि गायन्ति। उत्तर होगा बालिकाः गीतानि गास्यन्ति। तो इस प्रकार हमने पहला प्रश्न किया, जिसमें हम सब ने देखा कि केवल वाक्य में क्रिया को लिट लकार अर्थात भविष्य काल में परिवर्तित किया गया। अब दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, जो कि वार्तालाप पर आधारित है, या एक पदेन अर्थात एक शब्द में एक पद में उत्तर देना रहता है। ध्यान रखिएगा एक पदेन अर्थात एक पद वन वर्ड, सिर्फ और सिर्फ केवल हम एक शब्दों में ही इसका उत्तर देंगे। तो पहला क्वेश्चन है सारिका कुत्र गच्छति। उत्तर होगा स्वमातुलस्य गृहम्। अगला प्रश्न तत्र कस्य जन्मदिवसम अस्ति। उत्तर है राहुलस्य। अगला प्रश्न है अंबिका पुस्तकानि आनेतुं कुत्र गच्छति। उत्तर होगा पुस्तकालये। अगला प्रश्न है अवकाश दिवसे कुत्र कार्यं भवति। उत्तर होगा विद्यालये यस्य कार्यालय पुस्तकालय च। तो ये था हमारा एक पदेन उत्तर। अब हम भाषा अवबोधनम में सीखेंगे, जिसमें
कर्ता और क्रिया को मिलान करना है। आप देखिएगा, कर्ता है उसी वचन में, उसी पुरुष में हमें क्रिया को मिलान करना होगा। तो पहला है बालो, बालो प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो हमें क्रिया में प्रथम पुरुष द्विवचन देखना है। तो पुस्तकम पठतः, बालो पुस्तकम पठतः। उसके बाद है युव्यम किमर्थम गच्छत, सह भोजनम खादिष्यति, सिंह गर्जति, त्वं स्थास्यसि, बालिकाः उपविशन्ति। तो इस प्रकार हम मैचिंग किए, अर्थात उचित मेलनम किए। अगला प्रश्न है लिट लकारस्य पदानि चिनुत, यानी इस वाक्य में कहाँ पर लिट लकार का प्रयोग किया गया है, उसे हम चुन कर लिखेंगे। तो प्रश्न है यदा मध्याह्ने अर्धावकाशः भविष्यति तदा वयम् वृक्षाणां छायायां स्थास्यामः स्व अल्पाहारं च खादिष्यामः। तो यहाँ पर लिट लकार है, भविष्यति स्थास्यामः खादिष्यामः। दूसरा वाक्य है त्वं मह्यं फलं दास्यसि तदा अहम् अपि तुभ्यं चॉकलेट इति दास्यामि, यदि किंचित दास्यसि तहिर अधिगमिष्यसि। इस वाक्य में लिट लकार की क्रियाएं हैं दास्यसि, दास्यामि, पुनः दास्यसि, अधिगमिष्यसि। तो इस प्रकार हमने दूसरे प्रश्न में लिट लकार की क्रियाएं को चुनकर लिखना सीखा। तीसरा प्रश्न है कोष्ठकात् उचितेन पदेन वाक्यानि पुरत, यानी कोष्ठ में से उचित शब्द के द्वारा वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पर हमें कर्ता और कर्म को दिया गया है, अब कर्ता के अनुसार क्रिया को पूरा करना होगा। तो पहला है अहम जलम डैश, आपका विकल्प दिया गया है पिबिष्यामि पास्यामि। तो पिबिष्यामि अशुद्ध शब्द है, पास्यामि शुद्ध होगा, और यहां पर हम लोग लिखेंगे अहम जलम पास्यामि। उसी प्रकार दूसरा प्रश्न है युव्यम पत्राणि डैश, युव्यम पत्राणि डैश, यहाँ पर लेखिष्यत और लिखिष्यत, तो लिखिष्यत अशुद्ध है, हम लोग लेखिष्यत इस शब्द को लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है स्व रविवासर डैश, स्व एक अव्यय है और जिसका अर्थ होता है आने वाला कल, तो यहाँ पर आने वाला कल भविष्यति होगा, क्योंकि आसित जो है वह लंग लकार की क्रिया है जिसका अर्थ होता है था, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे भविष्यति, यानी स्व रविवासर भविष्यति। अगला प्रश्न है ते भोजनम डैश, ते यहाँ पर पुल्लिंग शब्द का बहुवचन है और स्त्रीलिंग शब्द का द्विवचन है, तो यहाँ पर हम द्विवचन भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुवचन भी, परंतु विकल्प में केवल बहुवचन दिया है जिसमें एक शुद्ध शब्द है और एक अशुद्ध शब्द है। तो पहला है भक्षिष्यन्ति और दूसरा है भक्षयिष्यन्ति, जो कि दूसरा गलत है, पहला शुद्ध शब्द है, हम उसे ही लिखेंगे भक्षिष्यन्ति। अंतिम प्रश्न है आवाम चल चित्रम डैश,
द्रश्यावः और दर्शयिष्यावः। तो दर्शयिष्यावः अशुद्ध शब्द है, द्रश्यावः शुद्ध शब्द है, तो हम द्रश्यावः लिखेंगे, आवाम चलचित्रम द्रश्यावः। तो इस प्रकार हमने कर्ता और कर्म के साथ क्रिया को लिखना सीखा। अब अंत में हम संस्कृत में वाक्यों को अनुवाद करना सीखेंगे। तो संस्कृत में वाक्यों को अनुवाद करने के लिए हमें शब्द रूप और धातु रूपों की अति आवश्यक ज्ञान होना चाहिए, यानी हमें शब्द रूप और धातु रूप अगर अच्छी तरह से आता है तो हम अनुवाद करने में हमें सहायता होगी। पहला है, दो बालिकाएं विद्यालय जाएगी, यानी दो लड़की विद्यालय जाएगी। तो इसे जो है हम संस्कृत में लिखेंगे, बालिके विद्यालयम गमिष्यतः। मैं पुनः बोलूंगा, बालिके विद्यालयम गमिष्यतः। दूसरा है, महिलाएं यहां घूमती हैं, महिलाः अत्र भ्रमन्ति। पुनः, महिलाः अत्र भ्रमन्ति। अगला वाक्य है, कल हम पुस्तकालय जाएंगे। अभी जैसे मैंने बताया था कि कल आने वाले कल के लिए कहा गया है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे, श्वः वयं पुस्तकालयं गमिष्यामः। मेरी बहन भोजन पकाती है, मम भगिनी भोजनम पचति। पुनः बदेंगे, बोलेंगे, मम भगिनी भोजनम पचति। अंत में है, अध्यापिकाएं कक्षा से जाती हैं, अध्यापिकाएं कक्षा से जाती हैं, अध्यापिकाः कक्षायाः गच्छन्ति। अब आप कहिएगा कि यहाँ कक्षाया क्यों हुआ, तो कक्षा शब्द स्त्रीलिंग है और इसलिए वो कक्षा से बाहर जा रही हैं, तो यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे हम और कक्षाया लिखेंगे। और पुनः मैं बोलूँगा, अध्यापिकाः कक्षायाः गच्छन्ति। तो इस प्रकार हमने वार्तालाप का अध्याय का अभ्यास किया। आप सब जो है इसे अपने अपने उत्तर पुस्तिकाएं में अंकित करेंगे और स्मरण करेंगे। धन्यवाद।